पिछले ओपिनियन पोल तक आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव की जीत की संभावना लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं जेडीयू अपनी सीट बचाने में कामयाब होती दिख रही है। बांका की सीट कांटे की टक्कर में फंस सकती है। यहां जेडीयू 49% वोट शेयर जेडीयू को मिल सकता है, जबकि आरजेडी की बात करेंगे तो ये 46% है, और अगर आप अन्य की बात करेंगे तो 5% है, यानी सिर्फ 3% का अंतर जेडीयू और आरजेडी के बीच में नजर आ रहा है। बांका की सीट जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि आरजेडी इस सीट को जीत लेगी, ये सीट ओपिनियन पोल में आरजेडी के खाते में जा रही थी, लेकिन अब देखिए जेडीयू के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि वोट शेयर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मार्जिन का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब देवेंद्र, चाहे हम बात कर लें झंझारपुर की, चाहे बात कर लें हम सिवान की, चाहे हम बात कर लें बांका की और मुंगेर की, ये मत प्रतिशत बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। बांका की अगर बात करें तो ये सीट लग रहा था पहले आरजेडी जीत लेगी, लेकिन आगे हो गए हैं जेडीयू, चाहे 3% से ही क्यों ना। प्राची, इसमें चारों सीट के बारे में आपको बताऊं, जैसे झंझारपुर की सबसे पहले बात कर लें, वहाँ लगभग 35% अति पिछड़ा वोट बैंक है, और उसके बाद ब्राह्मण दूसरा है जो कि 20% के आसपास है, 15% मुस्लिम है, 20% यादव हैं। तो अगर ब्राह्मण और अति पिछड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है तो सीट बहुत आसानी से निकलेगी और अति पिछड़ा कैंडिडेट जेडीयू का होगा। दूसरी तरफ ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो झंझारपुर के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अभी एनडीए गठबंधन के पास नीतीश मिश्रा है, जिनको अभी फिर से मंत्री बनाया गया है, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे। तो उस लिहाज से आप समझ सकती हैं कि उस कॉम्बिनेशन को, कास्ट कॉम्बिनेशन को कितना बेहतर तरीके से साथ दिया गया है। सिवान सीट की अगर बात करें तो सिवान सीट भी बहुत आसानी के साथ जेडीयू जीतेगी, कहीं भी उसमें कांटे का मुकाबला आपको नजर नहीं आएगा। और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि सबसे पहली बात तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ओम प्रकाश यादव जो कि पूर्व सांसद हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़े होंगे। जैसे ओम प्रकाश यादव खड़े होंगे तो वहाँ 1 से 1.5 लाख यादव वोट बैंक में उससे हिदमारी कर लेंगे। दूसरी बात की जैसा कि आपने खुद ये बताया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब जो कि सिवान के मुसलमानों के लिए शहाबुद्दीन फैमिली और शहाबुद्दीन एकदम रोल मॉडल रहे हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसी भी रही हो, लेकिन मुस्लिम अपना रोल मॉडल के तौर पर उनको देखते हैं, उनके पीछे उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त रही है। तो आप समझ सकती हैं कि अगर हिना शहाब आरजेडी से नाराज हैं, घोषित तौर पर नाराज हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक में भी वो एग्रेसिवनेस नहीं नजर आएगा आरजेडी के फेवर में जैसा पहले हुआ करता था। तो सिवान में भी कोई ऐसी समस्या नजर नहीं आ रही है। मुंगेर सीट की बात करें तो मुंगेर ऑलरेडी बार बार आप देख रहे हैं कि एनडीए वहां पे जीता है, और वहां पर यादव और अति पिछड़ा, यानी अति पिछड़ा में भी कोई कम्युनिटी की अगर बात कर लें तो वो कम्युनिटी बहुत अहम रहती है। उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, जेडीयू के पास ऑलरेडी कोई वोटर्स हैं, ललन सिंह मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। मुंगेर ऐसी सीट है जहां पे आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट जिसे आप कहते हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं। बांका की सीट एक जरूर डिफिकल्ट होगी, और बांका में एनडीए गठबंधन के लिए बहुत जरूरी रहेगा कि एक बार फिर से या तो उनको रिपीट करें या कोई ऐसा यादव कैंडिडेट दें जो कि यादव वोट में सेंधमारी कर सके। यादव वोट में सेंधमारी करने का सबसे बड़ा फायदा प्राची ये रहता है कि एक तो आप उस वोट को कम करते हैं, दूसरा आपके पास अगर मजबूत यादव वोट है तो फिर जो अति पिछड़ा वोटर है जो कि आमतौर पर बिहार के कई सारे गाँव में यादवों से डरते हैं, उनको आप सक्सेसफुली घर से बाहर निकालकर बूथ तक लेके आ पाते हो, अपना वोट गिरा लेते हो। तो उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से इन चारों में बांका एक क्लोज नजर आएगा, बाकी तीन में तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है एनडीए के लिए। प्राची, चीज़ें जरूर बताना जरूरी है, जैसे देवेंद्र जी बता रहे थे ओपी यादव को लेके, ओपी यादव एक बार बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीत चुके हैं, 2014 में चुनाव जीत सके, उसके बाद क्या हुआ था देखिए, अभी जो कन्फ्यूज़न हो रहा है उसकी वजह से कि पहले लग रहा था कि ये सीटें शायद बीजेपी फिर से वापस ले लेगी और वहाँ पर बीजेपी अपना कैंडिडेट देगी, या जब नीतीश कुमार एनडीए में फिर से नहीं आए थे तो लग रहा था बीजेपी अपना कैंडिडेट वहाँ पर देगी, बीजेपी के लिए वो सीट सुरक्षित मानी जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन होता उसमें एक बड़े फेस बन के उभर रहे थे। अब ओपी यादव की वजह से कन्फ्यूज़न बीजेपी के कैडर में जरूर देखा जा रहा है, जिसके वजह से आप देखें बहुत क्लोज है, हो सकता है जेडीयू आगे जाके निकल भी जाए, लेकिन बीजेपी के लिए वहाँ पर मुश्किल वही है कि अपने लोग जो ओपी यादव जैसे बीजेपी से बीजेपी के संगठन बहुत अच्छे तरह से जुड़ चुके थे, तो उसके वजह से एक कन्फ्यूजन के वजह से वहाँ पे जेडीयू को जो नुकसान हो रहा है वो बस वही वोटों का ट्रांसफर जो बहुत बड़ा मुद्दा है। बांका को लेकर जिस तरह बात करें, जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के बहुत ही कद्दावर नेता है और वो बहुत स्ट्रांग वहाँ पे अपना 2014 में मोदी लहर में भी वहाँ पे वो जीते हुए थे, तो वहाँ पे उनके लिए एक सबसे बड़ी बात था बीजेपी यादवों को तोड़ नहीं पा रही है, जिसके वजह से जेडीयू जो बड़ी जीत लेके आ पाई थी 2019 में वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि वहाँ पे पुतुल कुमारी जो दिग्विजय सिंह की वाइफ है वो एक बार इंडिपेंडेंट जीती थी और फिर बीजेपी के कैंडिडेट पे बीजेपी के सिंबल पे भी जीती हुई थी, तो संभव था कि एक बार लग रहा था कि उनको टिकट दिया जाएगा तो ये बीजेपी के लिए बहुत जेडीयू के लिए बहुत आसानी होगी। अभी तक शायद उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन यदि सिटिंग कैंडिडेट को ही रिपीट किया जाता है तो जेडीयू के लिए बहुत मुश्किल है वहाँ पर।
सिवान में जो है आरजेडी की सीट इसलिए मानी जाती थी कि शहाबुद्दीन उनके साथ हुआ करते थे एक जमाने तक, और उससे वो बहुत स्ट्रांग सीट वहाँ पर रही। लेकिन अब शहाबुद्दीन फैमिली का लालू यादव फैमिली से बड़ा एक तकरार हो गई है बड़ी, तो उससे वो उनके लिए थोड़ा सा कमजोर हो गया। जैसे देवेंद्र जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो माइनॉरिटी वोट जो है वहाँ पर थोड़ा सा उनको उस तरह से ताकतवर नहीं, तो एक जमाने तक सिवान सीट जो है आरजेडी के लिए मजबूत सीट होती थी। और बांका में दिग्विजय सिंह जमाने तक एमपी भी रहे, बांका दिग्विजय सिंह की बड़ी सीट रही है, वो मंत्री भी रहे वाजपेयी सरकार में, फिर उनकी पत्नी को भी मिला, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी कैसे निकाल सकती है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बिहार पर चर्चा करते रहेंगे, आगे की दो सीट आइए और बता देते हैं आपको। भागलपुर की बात कर लेते हैं और जहानाबाद की बात कर लेते हैं। भागलपुर एनडीए का मजबूत किला है। 2019 में जेडीयू के अजय कुमार मंडल ने आरजेडी को 3.25 लाख वोटों से हराया था। इस सीट का प्रतिनिधित्व शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी, भागवत झा, आजाद जैसे चेहरे भी कर चुके हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां जेडीयू को 49 और आरजेडी को 40% वोट मिल सकता है। अन्य के खाते में 11% वोट शेयर जा सकता है। यहां जेडीयू आगे है, लेकिन चूंकि मार्जिन 10% से कम है, 9% का मार्जिन है दोनों के बीच में, तो इसीलिए इसे सीट को हम कांटे की टक्कर में बता रहे हैं। हालांकि एनडीए का ये जो सीट है उसे गढ़ माना जाता है, लेकिन फिलहाल चूंकि जेडीयू यहां पर चुनाव लड़ रही है तो यह सीट कांटे की टक्कर में हमें नजर आ रही है, क्योंकि जो मार्जिन है वोटों का, वोट प्रतिशत का, वो 10% से कम है, 9% है। जहानाबाद की भी आइए बात कर लेते हैं। ये सेंट्रल बिहार की जहानाबाद सीट पहले नक्सलवाद को लेकर सुर्खियों में रहती थी। लालू की पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी जेडीयू की राजनीति में ने यहां पैठ जमाई। बीजेपी ने इस सीट जेडीयू को दी है। 19 के चुनाव में यहां से जेडीयू का कैंडिडेट सिर्फ 1700 वोटों से ही जीता था। हमारा ताजा ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि जेडीयू के कैंडिडेट यहां पर एज तो ले रहे हैं, यानी लीड तो ले सकते हैं, लेकिन वोट शेयर में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2% का अंतर है, क्योंकि 47% जेडीयू के खाते में जा सकता है, आरजेडी के खाते में 45% जा सकता है, अन्य के खाते में 8% जा सकता है। यानी जहां आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं, जहां उनका आमने सामने का मुकाबला है, सीधा मुकाबला है, वहां आरजेडी जो है वो कंपैरेटिवली अच्छा कर रही है उन जगहों से जहां भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर अपना कैंडिडेट उतार रही है। अब आरती जी, इसके पीछे बड़ी वजह आप क्या मानती हैं? जेडीयू जिन सीटों को कंफर्टेबली पिछले चुनावों में जीती थी उन सीटों पर अभी क्लोज फाइट है, आरजेडी कभी भी कम बैक कर सकती है, कभी भी जेडीयू का वोट शेयर कम हो सकता है, क्योंकि अभी तो चुनाव का आगाज हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बेशक अलाय बन गए एनडीए के, और आखिरी मोमेंट पे इनफैक्ट उन्होंने अलायंस किया, लेकिन जो बीच का गैप था उसके बीच में क्या हुआ है वो समझने की बहुत आवश्यकता है। एक तो ये कि नीतीश कुमार का खुद का ग्राफ जो अगर बिहार में देखा जाए, जिस तरह के स्टेटमेंट, जिस तरह की ऐसे लगता है कि बुढ़ापे का भी एक असर है, और पॉपुलैरिटी में भी जो गिरावट आई, मुझे लगता है उसका सीधा असर हम देख रहे हैं। जो आप बोल रही है कि आरजेडी काफ़ी अच्छा कर रही है और कांटे की टक्कर दे रही है, और साथ ही साथ ये कि कहीं ना कहीं जनता वोटर जो है, जिसने जेडीयू को हमेशा एनडीए का पार्ट देखा, और फिर नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं उस एनडीए के मेन जो एक अलायंस था, और फिर दोबारा से, तो ये जो उन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए हैं, समर सॉल्ट किया है पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इनफैक्ट एनडीए भुगत रहा है, जो आपके नंबर्स दिखा रहे हैं कई जगह आरजेडी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत आगे है उनसे, और वो आसानी से सीट्स नहीं देंगे एनडीए को। शांतनु जी, ठीक, मैं अपने बल्कि को पैनलिस्ट से एक बात अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पूछना चाहूँगा। जिस दिन एनडीए की सीट शेयरिंग हुई तो मुझे ये समझने में अचरज हुई कि इतना बार्गेन जेडीयू ने कर कैसे लिया। जैसे अभी हर्ष जी भी कह रहे थे कि ये सीट अगर भाजपा जीतती, किसी फलाना सीट के लिए बोल रहे थे, तो ये भाजपा आराम से ले जाती। तो ऐसी हालत में जब नीतीश कुमार का ग्राफ डाउन है, वो 16 सीट ले लेती है, फिर लोजपा 5 सीट ले लेती है, एक एक को छोटे दल भी ले लेते हैं, तो ये बार्गेनिंग आती कहाँ से नीतीश कुमार के पास कि इस हालत में भी वो 16 सीट ले जाते हैं? ये प्रश्न मैं अपने को पैनल से पूछना चाहूंगा। आप पिछला ग्राफ भी देखिए कि बीजेपी के पास अकेले में ही 22 सीटें थी, तो ये हमें नहीं, अगर हम उस हिसाब से जाए कि बीजेपी भी अच्छा कर रही थी पिछले इलेक्शन में, जेडीयू भी अच्छा कर रही थी, नीतीश कुमार भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कि यहाँ तो आप ये कह रहे हैं कि एनडीए या बीजेपी सरकार या प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो फैक्टर है वो बहुत, उसकी कोई करेंसी नहीं है बिहार में, या तो आप वो कह रहे हैं, या तो आप कह रहे हैं कि
नीतीश कुमार जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जेडीयू इतना बार्गेन कर कैसे लेती है, मैं ये कहना नहीं, इतने बुरे हाल में जब उनका ग्राफ इतना डाउन है, क्योंकि मैंने कहा कि जो वोटर है उनके माइंड में जरूर ये है कि जेडीयू एक एनडीए का हिस्सा था और इकट्ठे जो उनमें स्ट्रेंथ थी वो अलग हो के सवाल है। सवाल पर आगे चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन जी आपके पास पे होंगे। दो और सीटें वो भी जल्दी से बता देते हैं। शिवहर की सीट जो है वो भी चर्चाओं में है क्योंकि लवली आनंद जो है वो भारतीय जनता जेडीयू के साथ आ चुकी है। तो आइए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। लोकसभा की सीट कभी आनंद मोहन की वजह से चर्चा में रही थी। आनंद मोहन बिहार की राजनीति में फिर से एक्टिव हुए हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद ने हाल ही में पाला बदला है। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी के विधायक है लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार के फेवर में वोट किया था। शिवहर में जो ओपिनियन पोल है ताजा वो ये बता रहा है कि जेडीयू 51% वोट शेयर हासिल कर सकती है, आरजेडी 40%, अन्य के खाते में 9%। यानी ये चुनाव हम कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव है क्योंकि यहां पर मार्जिन ज्यादा है, यहां पर जो मार्जिन है वो 11% का नजर आता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चुनाव एक तरफा है। ये राजपूत बाहुल्य सीट है शिवहर की और रमा देवी यहां से बीजेपी के फिलहाल मौजूदा सांसद हैं लेकिन इस बार ये जो सीट है ये एनडीए ने नीतीश कुमार को दी है यानी कि जेडीयू को दी है। और लवली आनंद ने जब पाला बदला है तो माना जा सकता है कि इस सीट पर लवली आनंद को उतारा जा सकता है। उसका रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हैं, 51% वोट शेयर यहां जेडीयू को मिल सकता है। इसके अलावा मधेपुरा सीट की भी आइए बात करते हैं। लालू यादव के प्रभाव वाली ये सीट है मधेपुरा। 2019 में जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव ने यहां आरजेडी उम्मीदवार शरद यादव को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इस सीट पर 1980 से अब तक हमेशा यादव जाति का ही उम्मीदवार जीता है और इस सीट से लालू यादव, शरद यादव, पप्पू यादव जैसे कई दिग्गज सांसद रहे हैं। पप्पू यादव ने आज ही अपनी पार्टी कांग्रेस में मर्ज कर दी है, विलय कर लिया है। हमारा ताजा ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि मधेपुरा का जो चुनाव है वो भी एक तरफा होगा क्योंकि जेडीयू 51% यहां पर वोट शेयर उसे मिल सकता है, आरजेडी को 38% वोट शेयर मिल सकता है, अन्य के खाते में 11% जो वोट शेयर है वो जा सकता है। यानी इन सीटों पर मधेपुरा और शिवहर, इन सीटों पर आप जरूर कह सकते हैं कि यहां जेडीयू एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। अब इस सीट पर क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं जेडीयू के पक्ष में।